Hi dear students, very good afternoon. Okay, so just let me know if I'm audible and visible to all of you guys so we can start our lecture. Good afternoon, good afternoon. Hello Smriti, Sapna, Jugal. Jaldi se mujhe bata dijiye kya aap sab mujhe sun pa rahe hain, every one of you, so that we can quickly go ahead. All right, okay. तो जल्दी जल्दी से सबके साथ शेयर कर लीजिए एंड हम अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं. गुड आफ्टरनून बच्चा. हेलो बच्चा. हाय रामदीप. ठीक है तो चलिए ठीक है. तो आई थिंक सब चीजें ठीक हैं एंड हम कंटिन्यू कर सकते हैं. आप लोग शेयर कर लीजिए बाकियों के साथ में एंड मैं आपके कमेंट्स यहाँ से देख रही हूँ. ठीक है तो Shall we move ahead now? जल्दी जल्दी से, जल्दी जल्दी से फटाफट से शेयर कर लीजिए, सबको बुला लीजिए. ठीक है एंड उसके साथ साथ ही अगर आप लोग ने ये टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया होगा तो फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. उससे आप प्रॉपरली अपडेटेड रहेंगे. एंड कल मुझे आई थिंक कोई पूछ रहा था कि मैम और कुछ हमको बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं जो प्लस के सब्सक्रिप्शन लेने पर या आइकॉनिक के. तो अभी देखिए अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं 6 मंथ का, स्पेशली आई विल रिकमेंड कि जो अपने 2022 वाले स्टूडेंट्स हैं, जो नीट 2022 देने वाले हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट चांस है कि आप अगर 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 1 मंथ एक्स्ट्रा फ्री मिल रहा है. आई मीन कितना भी तुम्हारा नीट का एग्जाम लेट हो, इससे ज्यादा लेट तो नहीं हो सकता है. ठीक है तो 7 मंथ इज इनफ टाइम. तो अगर आप सोच रहे हैं कि आपको अभी सब्सक्रिप्शन लेना है तो बिना टाइम वेस्ट किए सबसे बेस्ट टाइम है कि अभी आपको मिल रहा है एक्स्ट्रा 1 मंथ ले लीजिए. एंड अगर कोई 18 मंथ जैसे 23 वाले स्टूडेंट्स अगर 18 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हैं तो आप ले सकते हैं, आपको प्लस 2 मंथ एक्स्ट्रा फ्री मिल रहे हैं. ठीक है एंड यू कैन यूज माई कोड अर्चना 10. ठीक है आप ये मेरा कोड यूज कर सकते हैं, इससे आपको इमिडिएटली 10% ऑफ भी मिल जाएगा जो भी आपका यू नो सब्सक्रिप्शन फीस अमाउंट होगा. तो जहां पर भी रेफरल कोड है, रेफरल कोड की जगह जस्ट यू हैव टू पुट माय कोड अर्चना 10, दैट्स इट. चलिए आगे बढ़ते हैं. आई थिंक सब लोग आ गए हैं, आप लोग ने शेयर कर लिया है ऐसा मुझे उम्मीद है. ठीक है तो हमने अभी तक 2 टॉपिक की क्वेश्चन किया. अभी मोशन इन प्लेन के लिए हमको और भी टाइम चाहिए, और भी हम उसके अनसॉल्व क्वेश्चंस करेंगे बिकॉज हमने किया नहीं है ज्यादा. बट सिंस आज मैंने एनएलएम के क्वेश्चन आई मीन एनएलएम का जो क्लास है वो स्केड्यूल कर दिया था, सो सिंस इट्स अ प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास तो आई मीन इट डजंट मैटर ना कि हम क्या कर रहे हैं. आई मीन तो हम प्रॉब्लम ही सॉल्व करना है तो प्रॉब्लम हम सॉल्व कर लेते हैं. तो एक काम करते हैं, एनएलएम को हम पूरा सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद में मोशन इन प्लेन के लिए थोड़ा सा लंबा क्लास रख लेंगे 2-3 आवर्स का, तो जिसमें हम सारे ही अनसॉल्व प्रॉब्लम्स कवर कर लेंगे. ठीक है तो आई होप आप लोग रेडी हैं. जल्दी जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए इफ यू ऑल आर रेडी, तो देन वी कैन गो अहेड. तो ये रहा आपका एनएलएम का फर्स्ट क्वेश्चन. मतलब पहले हम सॉल्व एग्जांपल राइज लाइक की जैसे हमने किया था कि हम सॉल्व एग्जांपल्स कर लेंगे. ठीक है एंड जो उसके बाद में अनसॉल्व एग्जांपल्स हैं, ठीक है अनसॉल्व एग्जांपल्स भी हम बाद में कर लेंगे. ठीक है सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स वर्क ऑन दी व्हाट सॉल्व एग्जांपल्स, बिकॉज इससे क्या होता है कि बहुत बार आपका सोल्यूशन दिया होता है बट स्टिल आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आती है. तो सॉल्व एग्जाम्पल कराने के पीछे का पर्पस ये है, अदरवाइज तो आपके पास एनसीईआरटी में सोल्यूशन अवेलेबल ही है. बट बहुत सारे स्टूडेंट्स को होता है कि ठीक है इतने सारे थियोरेटिकल वर्ड्स लिखे होते हैं पर वो क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, वो आप अच्छे से विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं. तो इसीलिए हम सॉल्व एग्जांपल्स भी कर रहे हैं अलॉन्ग विद द अनसॉल्व वन. चलिए आगे बढ़ते हैं. ओके सो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन. देखो 5.1 जो था वो काफी थियोरेटिकल क्वेश्चन था तो इसलिए मैंने उसको पिकअप नहीं किया. आई एम स्टार्टिंग विद द 5.2. सो क्वेश्चन सेज दैट अ बुलेट हुज मास इज गिवन एज व्हाट 0.04 kg. ठीक है जो बुलेट है उसका मास कितना दिया है 0.04 kg एंड विच इज मूविंग विद द स्पीड, कितना स्पीड के साथ मूव कर रहा है, तो 90 मीटर पर सेकेंड एंड दैट एंटर्स अ हेवी वुडन ब्लॉक. मान लो कि अगर यहाँ से आपने क्या किया, बुलेट को फायर किया तो ये इस तरह से, और ये क्या है कि ये वुडन ब्लॉक है.
और ये इस तरह से जा रहा है, कितना स्पीड से जा रहा है, इसका मास आपको दे दिया है 0.04 kg, ठीक है। ऑब्वियसली बात है बुलेट है तो उतना ज्यादा हेवी तो होगा नहीं, सो दिस इज फाइन। एंड ये कितना स्पीड से जा रहा है, 90 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। एंड दैट एंटर्स इनटू व्हाट, हेवी वुडन ब्लॉक एंड स्टॉप्स आफ्टर द व्हाट डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। तो अगर हमको नहीं पता कि ये एक्चुअल में ये वुडन का, वुडन ब्लॉक का पूरा थिकनेस कितना है, तो समझ लो कि हम लोग ने बोल दिया कि 60 सेंटीमीटर यहाँ तक है, ठीक है। लेट्स से कि ये जो है यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, दिस इज हाउ मच, 60 सेंटीमीटर। तो ये यहाँ से आके ये क्या हो गया, यहाँ स्टॉप हो गया, ठीक है। यहाँ तक जाके, अंदर जाके अब ये स्टॉप हो गया। सो नाउ व्हाट इज द एवरेज रेजिस्टिव फोर्स एग्जर्टेड बाय द ब्लॉक ऑन द बुलेट, क्योंकि रेजिस्टेंस आया तभी तो रुका ना। अभी तुम सोचो ना कि तुम आराम से चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, जब तक रास्ते में कुछ यू नो स्पीड ब्रेकर नहीं आ रहा है, या कोई तुम किसी से टकरा नहीं जा रहे हो, तब तक तो तुम आराम से चलोगे। तो सेम थिंग गोज ओवर हियर ऑल्सो, कि बुलेट क्या है कि स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव कर रहा था, और सामने किससे टकराया, एक बड़ा सा ब्लॉक है, ब्लॉक से जाके क्या हुआ कि यहाँ से कोलाइड हुआ। और सिंस उसका स्पीड इतना ज्यादा था, मतलब आप बोल सकते हैं कि ये जो बुलेट का मोमेंटम होगा वो बहुत ज्यादा होगा, तो अंदर चला गया, ठीक है। और अंदर जाने के बाद सिंस अब क्या है कि ब्लॉक की डेंसिटी ज्यादा है और वहां रेजिस्टिव फोर्स उस पर अप्लाई होगा, ठीक है। तो रेजिस्टिव फोर्स अप्लाई होगा तो उससे क्या होगा कि उसका वेलोसिटी डिक्रीज होगा, बट इमिडिएटली डिक्रीज जीरो नहीं हुआ, ठीक है। वो एक सर्टेन डिस्टेंस तक अंदर गया, एंड देन उसके बाद में फिर, और वो कितना डिस्टेंस अंदर गया, 60 सेंटीमीटर, फिर रुक गया। तो वही पूछा है कि ये जो ब्लॉक है इसने कितना रेजिस्टिव फोर्स अप्लाई किया, किसके ऊपर, ये जो बुलेट है इसके ऊपर। समझ में आया? ऑल राइट, सो दिस इज नथिंग बट द वर्ड ब्लॉक। आई होप क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया है। अब देखो ध्यान से, अब इसको यहाँ पर अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या क्या चीजें दी हुई हैं। हम यहाँ मास लिख लेते हैं, मास इज गिवन एज 0.04 kg, द स्पीड इज गिवन एज व्हाट, आई कैन से दिस इज इनिशियल स्पीड बिकॉज फाइनल तो वो रेस्ट पे जा रहा है ना, तो लेट मी डिनोट दिस विथ यू, यू इज द व्हाट इनिशियल स्पीड विच इज 90 मीटर पर सेकेंड, एंड आई कैन से फाइनल स्पीड इज जीरो बिकॉज ब्लॉक जाके रुक, आई एम सॉरी बुलेट जाके रुक जा रही है। देन उसके बाद में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है डिस्टेंस को हम बाद में ले लेंगे। कैन वी फाइंड आउट द व्हाट एक्सेलरेशन, हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं ना, क्योंकि बुलेट उसी स्पीड से जा रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं, सो देयर फोर एक्सेलरेशन इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू व्हाट, विच इज सिंपल सी चीज है, माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s। देखो अब अगर ये किसी को कंफ्यूजन होता होगा कि ये कहाँ से आया, तो ये हमने ये ओरिजिनल फॉर्मूला लिखा है विच इज वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s होता है, ठीक है। वन सेकेंड, प्लस 2as। तो यहाँ से आप देखो, सिंस v जीरो है, अगर v जीरो है तो आप क्या बोल सकते हैं, यू स्क्वायर ये यहाँ से चला जाएगा। अब आप सिंपल सी चीजें निकाल सकते हैं, a फाइंड आउट करना था तो ये यहाँ डिवाइड हो गया। अब इसमें हम ये चीज यू नो सारे वाले इसको सब्सटीट्यूट करते हैं, सो वी विल गेट दी ए, ए विल बी व्हाट माइनस, ये कितना है 90 का स्क्वायर हो जाएगा, सो दिस इज 90 का स्क्वायर अपॉन 2 इनटू डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, सो आप देख सकते हैं हाउ मच इट इज 60 सेंटीमीटर। गाइज यू नीड टू कन्वर्ट 60 सेंटीमीटर इंटू मीटर्स, ठीक है, बिकॉज सारे डेटा जो है वो आपके बाकी SI सिस्टम में है, ठीक है। और अगर आप लोग के किसके भी आंसर्स आ जा रहे हैं तो मुझे जल्दी जल्दी से बता दीजिए। ये 60 सेंटीमीटर मतलब कितना हो गया, 0.6 मीटर हो गया, डिवाइड बाय 1000 करेंगे ना, तो 0. कितना हो गया, 6 हो गया। अब आप चाहें तो इसको एक्चुअल में बेटर होगा कि 6 × 10⁻¹ लिख लो, ठीक है। एंड इसको लेट मी राइट दिस एज व्हाट 90 × 90, तो हम कैंसिल आउट कर सकते हैं एक्चुअल में, सो लेट मी राइट दिस एज व्हाट 90 × 90, और इसको मैं 6 × 10⁻¹ लिख देती हूँ। आपको पता 15 के टेबल में आता है ना, 15 सिक्स वन सा कर लो, 15 सिक्स सा कितना होता है, 90 होता है, राइट, यस और नो। और इसको अगर आप कैंसिल आउट कर लेंगे, ये 2 वन सा, दिस विल बी व्हाट 45, 2 सा कितना होता है, आई मीन 90 होता है ना, तो यहाँ से जब अपने पास कितना बचा, माइनस 15 × 45 बचा हुआ है, तो माइनस 15 × 45
इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और ये ऊपर चला जाएगा तो इंटू 10^1 हो जाएगा, बिकॉज यहाँ नीचे -1 है ना, तो ऊपर जाके 1 हो जाएगा. कितना आया? ओके, -6750 आ रहा है. ठीक है, थैंक यू सो मच. -6750. और ये क्या मिल रहा है अपने को? एक्सेलरेशन, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्लियर है सभी को गाइस? और ये नेगेटिव इसलिए मिल रहा है क्योंकि रेजिस्टिव फोर्स लग रहा है ना. ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी यहाँ से जा रही है, आई मीन बॉडी जो बुलेट है इस डायरेक्शन में जा रही है. ठीक है, और फोर्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, रेजिस्टिव फोर्स. अब हमको एक्सेलरेशन मिल गया, मास पता है, तो कैन वी फाइंड आउट द फोर्स? डेफिनेटली. सो देयरफॉर हियर वी कैन से दैट रेजिस्टिव फोर्स विल बी, रेजिस्टिव फोर्स, ठीक है, विच इज अप्लाइड ऑन वॉट? बुलेट बाय ब्लॉक. इफ यू विश आप लिख सकते हैं पूरा, रेजिस्टिव फोर्स अप्लाइड ऑन बुलेट बाय द ब्लॉक. ठीक है, तो मैं उसको एफ करके लिख दे रही हूँ. एफ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? मास इनटू एक्सेलरेशन. सो नाउ हमको पता है कि बुलेट का मास कितना है, इट इज 0.04 kg है. एक्सेलरेशन हमको मिला है विच इज -6750 था ना, या 6750. अब जस्ट इसको आपको मल्टीप्लाई करना होगा. ठीक है, एंड यू विल गेट द आंसर. आप लोग को आंसर मिल गया बच्चा पार्टी? 270 आ रहा है. ओके, ऑल राइट सपना, आई थिंक सभी को 270 मिल रहा है. ठीक है, तो ये -270 आप बोल सकते हैं. मैग्नीट्यूड बोला है तो सिर्फ 270 बोलेंगे, और सिंस ये नेगेटिव साइन इसलिए है बिकॉज आपको पता है कि फोर्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, इट्स अ रेसिस्टिव फोर्स. ठीक है, -270 न्यूटन. क्लियर है सभी को? और यहां पर गाइस जो है कि आप देख सकते कि आप यू नो जो रिटार्डेशन है, रिटार्डेशन इज नॉट यूनिफॉर्म. ऐसा नहीं है कि मतलब ब्लॉक जो अंदर बुलेट जो है कि सपोज ये ब्लॉक था. ठीक है, अब यहाँ से क्या हो रहा है कि बुलेट इस तरह से अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि अब आपको पता है इसका वेलोसिटी कम हो रहा है, तो सेम रेट से वेलोसिटी नहीं कम होगा. ठीक है, तो सेम रेट से अगर वेलोसिटी नहीं कम होगा, सो दैट मीन्स जो नेगेटिव एक्सेलरेशन है, क्योंकि वेलोसिटी कम हो रहा है तो इट मीन्स इट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन. नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही हम क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन बोलते हैं. तो यू कैन से दैट कि यहाँ रिटार्डेशन जो है इट इज नॉट यूनिफॉर्म. ठीक है, समझ में आया? क्लियर है? ठीक है, तो ये क्या है? दिस इज नथिंग बट दी वॉट अ, आप यहां पर लिख सकते हैं, तो ये क्या है? दिस इज द एवरेज फोर्स. यू कैन से दैट कि हमने जो यहां पर निकाला है, दिस इज द एवरेज रेजिस्टिव फोर्स. ऐसा नहीं है कि इतना ही फोर्स लग रहा है या ये कांस्टेंट फोर्स लग रहा है. ओवरऑल आप बोल सकते हैं दिस इज एवरेज रेजिस्टिव फोर्स. ठीक है, समझ में आप लोगों को? आई होप दिस क्वेश्चन इज डन. आगे बढ़े, मुझे जल्दी से बता दीजिए ये क्वेश्चन डन है ना. चलिए, दैट्स ग्रेट. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं. चलो बढ़िया, अच्छी बात है. अगर आप लोग को समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है. और रही बात ठंड की, तो हमारे यहाँ ठंड नहीं पड़ती है. ठीक है, वी आर ब्लेस्ड विद दैट कि मुंबई में ठंड नहीं होती है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. इसको मैं ये क्वेश्चन को थोड़ा सा प्रॉपरली लिख देती हूँ, बट बिकॉज आई होप आप लोग को कलर नहीं दिखता होगा. नॉर्मल अपना जो यू नो काइनेमेटिकल इक्वेशन है, विच इज यू टी प्लस हाफ जी इंटू टी स्क्वायर है. ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर? तो क्या बोला है कि द मोशन ऑफ वॉट पार्टिकल ऑफ मास कितना दिया है? एम, एंड दैट इज डिस्क्राइब्ड बाय, तो वो जो पार्टिकल का मोशन है उसका इक्वेशन दिया हुआ है. क्या दिया हुआ है? वाई इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर. ठीक है, ये इक्वेशन है. नाउ फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल. तो कितना फोर्स एक्ट कर रहा है, तो क्या ही है, निकाल सकते हैं. ठीक है, वैल्यू कहाँ है? वैल्यू कहीं नहीं है. इसको ऐसे तुमको इक्वेशन निकालना है ना. देखो ना, तुमको क्या बोला है क्वेश्चन में, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल्स. नहीं दिया वैल्यू, तो जबरदस्ती क्यों सब्सटीट्यूट करना है? तुम इक्वेशन के फॉर्म में निकाल दो, क्या होगा?
समझ में आ गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंस पार्टिकल का मास हमको एम दिया हुआ है, इक्वेशन लिख देते हैं हम पार्टिकल का, जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, विच इज वाई इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी इंटू टी स्क्वायर है, राइट। मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये क्या होगा, आप बोल सकते हैं डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड बाय दी पार्टिकल। अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट कर लें विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वी विल गेट दी वेलोसिटी। फिर से डिफ्रेंशिएट कर लें विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वी विल गेट दी एक्सेलरेशन। अपने पास मास ही है कि नहीं? तो मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स, खत्म। और करना ही क्या है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो तुमको डराने के लिए क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं है, कि वैल्यूज नहीं है, कुछ नहीं, और एक क्वेश्चन दे दिया, उसको कैसे सॉल्व करेंगे? शांति, चिल चिल, ठीक है, सिर्फ डिफरेंशिएट करना है, दैट्स इट। चलो ओके, फोर्स आ गया एम जी, दैट्स ग्रेट, अच्छी बात है। तो चलिए अब यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं, वेलोसिटी। वेलोसिटी विल बी व्हाट, व्हिच इज डी वाई बाय डी टी। सो देयरफॉर वी इज इक्वल्स टू डी बाय डी टी ऑफ वाई, क्या दिया है, व्हिच इज यू टी प्लस हाफ जी इंटू टी स्क्वायर। तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ से यू आ जाएगा, बिकॉज डिफरेंशिएशन ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू टी विल बी वन, ठीक है। प्लस ये हाफ तो यूं ही रहेगा, जी बाहर आ जाएगा, टी स्क्वायर का 2t होगा, ठीक है। मैं लिखने का फिलहाल लिख दे रही हूँ, हाफ इंटू टी इंटू ये क्या हो जाएगा, 2t। मैं इसलिए सारे स्टेप्स लिख रही हूँ कि अगर कोई फर्स्ट टाइम सॉल्व कर रहा है तो उसको भी समझ में आए, अदरवाइज मैं इसका डिफरेंशिएशन यहाँ डायरेक्ट लिख देती, ठीक है। सो आप लोग जो फर्स्ट टाइम सॉल्व करते होंगे ध्यान रखिएगा। तो हमको वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या मिला, विच इज यू प्लस जी इंटू टी मिल गया, या हमको वेलोसिटी मिल गया। नाउ वी कैन फाइंड आउट द एक्सेलरेशन, इसको हम एक और बार डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो दैट फॉर एक्सेलरेशन विल बी डीवी बाय डीटी, दैट मीन्स डी बाय डीटी ऑफ क्या, ये जो मिला है हमको, विच इज यू प्लस डी टी, राइट। सो देयर फोर यू कैन से दैट एक्सेलरेशन इज, यहाँ कोई टी वाला टर्म है क्या? नहीं है, दैट मीन्स कॉन्स्टेंट, तो जीरो। यहाँ कुछ है, यस टी है, तो टी विथ रिस्पेक्ट टू टी विल बी वन, तो बचेगा क्या, सिर्फ जी। समझ में आया आप सभी को, एक्सेलरेशन हमको क्या मिल गया, इज सेम एज द वर्ड जी। सो देयर फोर फोर्स विल बी वॉट, विच इज मास इंटू एक्सेलरेशन। अब हमको पता है कि मास तो एम दिया हुआ है, एक्सेलरेशन किसके इक्वल है, जी के इक्वल है, तो फोर्स इज इक्वल टू एम जी। तो ये जो पार्टिकल है, जो भी पार्टिकल होगा मूव कर रहा है, उसका इक्वेशन ये दिया, इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। उस पर कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो पार्टिकल पे इतना फोर्स लगता होगा, विच इज एम जी, तो जो उसका वेट है। समझ में आया, क्लियर एवरीवन? जस्ट उसका जो वेट है, वेट हमने बोला क्योंकि यहाँ पर जी दिया हुआ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो वही उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, दैट्स इट। इट्स लाइक कि हम लोग भी हो सकते हैं, ठीक है, हमारे ऊपर अभी कोई अलग से फोर्स नहीं लग रहा है, और हम सपोज की मूव कर रहे हैं, मान लो कि वो अपना ही इक्वेशन ऑफ मोशन दिया है और पूछ दिया कि हमारी बॉडी पे अभी कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, तो हमारे बॉडी का जो वेट है, ठीक है, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि इसीलिए तो हम सरफेस पे मूव कर पा रहे हैं, जी नहीं होता तो हम भी कहीं उड़ते होते, है ना। आज वो कौन सा है ना, आज मेरे पाँव नहीं है जमीन पर, वैसा समथिंग वो वाला सीन होता, तो लेकिन हमारे पाँव जो है वो जमीन पर ही है, क्योंकि हमारे पर फोर्स लग रहा है, क्या है, कितना फोर्स लग रहा है, तो एम जी फोर्स लग रहा है, ठीक है। चलो गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, जरा सबके साथ शेयर करते रहिए फटाफट से। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ऐसा है, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, हाँ होगा कुछ गड़बड़ हो गया था, ऐसा कुछ और भी है था ना, एक और सॉन्ग, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ बैट्समैन दैट हिट्स बैक अ बॉल स्ट्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट बॉलर। मान लो इधर पे, ठीक है, कोई बॉलर खड़ा है, और इधर पे क्या है, कोई बैट्समैन खड़ा है, ये इधर पे हम पिच बना देते हैं, जैसे अपने बैट्समैन और बॉलर तो काफी अच्छे हैं, बट ठीक है इनको जाने दो, और ये यहाँ से ये पिच है, तो ये यहाँ से इसने क्या किया, अ बैट्समैन ने बॉल को हिट किया, ठीक है, किसकी तरफ, बॉलर की तरफ। नाउ विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड ऑफ व्हाट 12 मीटर पर सेकेंड, तो किसका, बॉल का, ठीक है, बॉल का स्पीड कितना था, इनिशियल 12 मीटर पर सेकेंड था,
उसका स्पीड चेंज नहीं हुआ, जैसे उसने बॉल को हिट किया उतने स्पीड से। अब क्या हो रहा है कि बॉल किसकी तरफ मूव कर रहा है, बॉलर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। एंड इफ द मास ऑफ द वर्ड बॉल इज 0.15 kg, ठीक है, मास ऑफ द बॉल कितना है, 0.15 kg है, सो डिटरमाइन द इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बॉल। एंड क्या अज्यूम करने बोला है तुमको, अज्यूम इट्स अ लीनियर मोशन, ठीक है, मतलब जो बॉल का मोशन है वो क्या है, लीनियरली मूव कर रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बॉल जो है वो स्विंग करके जा रहा है या किसी पर्टिकुलर एंगल से जा रहा है कहीं, या मान लो कि जिगजैग मोशन, वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। तुमको बोला कि बॉल जो है शांति से एकदम लीनियर मोशन है। मान लो कि कोई नौसिखिया बैट्समैन और बॉलर है जिनको एकदम से एडवांस क्रिकेट खेलने नहीं आता है, अब है तो वो भी क्रिकेट ही है, ठीक है। तो अब चलो, नाउ अब ध्यान से सुनो बच्चा, मैं ये क्या बोल रही हूँ, मैं तो हिंदी बोल रही हूँ, मुझे नहीं लगा अब तुम बोलोगे कि इसको मैं एकदम से हिंदी में एक्सप्लेन करूं। तो देखो सारे टर्म्स मैं एकदम हिंदी में बहुत जानती भी नहीं हूँ और मुझे एग्जैक्टली पता भी नहीं है। हाँ मैं तुमको कॉन्सेप्ट इस तरह से बता सकती हूँ, अब तुम इसके जो टेक्निकल वर्ड्स हैं वो हिंदी में वो आपको ही फाइंड आउट करने पड़ेंगे, वो मैं नहीं आपको बता सकती बिकॉज उतना ज्यादा मेरा नॉलेज नहीं है, ठीक है। एक दो थोड़े बहुत पता होंगे, लाइक कि जैसे वेलोसिटी तुमको बोल दिया तो गति है, ठीक है। बाकी मास तो आपको पता ही होगा, द्रव्यमान समथिंग, बट टू बी ऑनेस्ट कि मैं बहुत ज्यादा आपको एकदम प्रिसाइज टेक्निकल वर्ड्स हिंदी में नहीं बता सकती हूँ। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ क्या बोल दिया है कि बैट्समैन दैट हिट्स बैक अ बॉल स्ट्रेट, तो यहाँ पहले हम देख लेते हैं कि इसकी स्पीड कितनी है, ठीक है। तो सिंपल सी चीज है, बॉल का मास दे दिया है पहले तुमको, बॉल का मास कितना दे दिया है, 0.15 kg। तो अगर हम क्या निकाल लें, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि नो यू नो कितना मोमेंटम चेंज हुआ। देखो यहाँ पर पहली बात तो तुमको इम्पल्स का मतलब पता होना चाहिए, हम यहाँ पर दो तीन चीजें डिस्कस करते हैं। 0.15 kg, इम्पल्स का मतलब क्या होता है, एनीवन अगर आप लोगों को किसी को पता है तो आप आंसर कर सकते हैं। क्योंकि देखो जब आप लोग भी क्रिकेट खेलते होंगे, है ना, हमारे यहाँ तो इंडिया में गली क्रिकेट, कुचा क्रिकेट, यू नो जहाँ भी मिलता है, घर में भी लोग क्रिकेट खेल लेते हैं थोड़ा बहुत, भले एक आध दो बर्तन गिर जाए, कुछ टूट फूट जाए, बट मतलब क्रिकेट तो जान है ना, वैसा सीन है। तो सभी को कुछ ना कुछ तो पता ही होगा। अब ध्यान से सुनिए कि जब बॉल आके बैट को स्ट्राइक करता है, मान लो कि इधर से बॉलर ने क्या किया, बॉलिंग किया, और जैसे ही आके क्या किया, बॉल ने बैट को स्ट्राइक किया और बैट्समैन ने बॉल को हिट किया, तो वो जो प्रोसेस होता है वो बहुत फास्ट होता है, मतलब आप बोल सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होता है। अब तुमको यहां से अगर फोर्स निकालना हो कि सपोज कि बॉल ने पहले बैट पे कितना फोर्स अप्लाई किया, फिर जब बैट्समैन ने बॉल को हिट किया तो बॉल पे कितना फोर्स लगा, मतलब यू जस्ट कैन नॉट फाइंड आउट कि इतना प्रिसाइज वैल्यू, इतना कितना फोर्स लगा और यहाँ से बैट ने कितना बॉल पे लगाया, क्योंकि वो बहुत इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। आपको थोड़ा सा अगर टाइम मिलेगा कि चलो आराम से वो स्लो मोशन में बॉल आ रहा है ले मैंने हिट कर दिया, है ना, अब तुम फोर्स निकाल सकते हो, फिर यहाँ से भी स्लो मोशन में बैट्समैन क्या कर रहा है, यू नो बॉल को अब हिट कर रहा है, तब तुम आराम से निकाल सकते हो कि चलो भाई बॉल ने बैट पे इतना फोर्स लगाया, बैट ने बॉल पे इतना फोर्स लगाया, बट ऐसा तो है नहीं, आया कि, है ना। तो बहुत इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होता है वो, तो वहां जो होता है कि आप इजीली फोर्स नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। हाँ बट आप मोमेंटम यू नो कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज आपको पता है कि इनिशियली बॉल कितना स्पीड से आके हिट किया बैट को, और जब बैट्समैन ने यू नो बॉल को हिट किया तो बॉल कितना स्पीड से जा रहा है, तो चेंज इन मोमेंटम यू कैन फाइंड आउट। और वो जो चेंज इन मोमेंटम होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इम्पल्स। समझ में आया, या फिर आप कह सकते हैं कि फोर्स विच इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो वो आप क्या बोल सकते हैं, दैट इज नथिंग बट दी वॉट इम्पल्स, और वही हमको फाइंड आउट करना है। समझ में आया, हेलीकॉप्टर शॉट। अरे हेलीकॉप्टर शॉट में भी ऐसा इतना आराम से नहीं लगता है भाई, मतलब हेलीकॉप्टर शॉट में ठीक है कि वो जो बैट का पोजीशन है वो उस तरह से होता है, बट एनीवेज जब जैसे ही वो बॉल जो है बैट को स्ट्राइक करता है तो बॉल तो फिर तो जानी ही है ना, ठीक है।
आईपीएल याद आ गया। अच्छा इसी, चलो अच्छी बात है, इसी बहाने अब इसी बात पे क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया जाए। तो ये हो गया, अब यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं, देयरफॉर चेंज इन मोमेंटम निकाल लेते हैं। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम जिसको हम डिनोट कर देते हैं डेल्टा पी से, बिकॉज हमको पता है। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल कर लो, P2 माइनस P1 बोलो या जो भी। तो अगर मैं वैल्यूज को डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दूं, मान लो इसका मास कितना है, अपने को पता है 0.15 है, ठीक है, इनटू वेलोसिटी क्या होगा, कितना वेलोसिटी से है, 12 मीटर पर सेकेंड से। बट आपको पता है कि यहाँ पर यू नो फाइनल वेलोसिटी भी वही है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि जब बैट्समैन ने बॉल को हिट किया और बॉल अब टुवर्ड्स द बॉलर जा रहा है, उसका वेलोसिटी चेंज नहीं हुआ, उतने ही वेलोसिटी से जा रहा है। तो आप यहाँ क्या बोल सकते हैं, नाउ दिस कैन बी रिटन एज व्हाट, दिस विल बी, यहाँ पर वो वेलोसिटी में नेगेटिव साइन आ जाएगा, मतलब 0.15 इंटू माइनस ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। क्यों, अब तुम यहाँ पर साइन कन्वेंशन लेना पड़ेगा। मान लो इनिशियली बॉल अगर इस तरह से जा रहा है, अब बॉल इस तरह से आ रहा है, तो सिंस दो वेक्टर्स जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर, ठीक है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, सो यू हैव टू टेक दी व्हाट साइन कन्वेंशन। तो एनीवेज इनको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी व्हाट, 0.15 इंटू 12 प्लस, इसको आप लोग जरा सॉल्व करके मुझे बता दीजिए कितना आ रहा है आंसर, 0.15 इंटू 12 हो जाएगा, या आप इसको एक मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करके फिर टूजा कर लीजिए, फिर आपको आंसर मिल जाएगा। सो एनीवन गाइस, किसी का आंसर आया, 3.6 आ रहा है, ओके, एंड उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग मुझे करेक्ट आंसर दे रहे हैं, ठीक है। सो 3.6, बट यूनिट क्या होगा, मोमेंटम का यूनिट क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है फॉर्मूला, अगर मैं यहाँ से भी लिख दूँ तो विच इज लेट्स से ये m तो कॉमन ही था आपका, दिस विल बी व्हाट, b2 माइनस v1 आपने कह दिया, mv, mv मतलब यूनिट क्या हो जाएगा, मास का kg, एंड यहाँ से ये क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड। इवन आप चाहें तो इसको जैसे हम फोर्स इंटू टाइम के टर्म में लिखते हैं, ठीक है, तो फोर्स इंटू टाइम मतलब न्यूटन इंटू सेकेंड, तो यूनिट विल बी व्हाट, न्यूटन इंटू सेकेंड। ये आपको क्या मिल गया, दिस इज नथिंग बट दी व्हाट, चेंज इन मोमेंटम। बट बच्चा बाड़ी अपने को तो पता ही है, यही तो अपना आंसर है ना, तो क्या हो जाएगा, सो देयरफॉर इम्पल्स इज नथिंग बट दी व्हाट, चेंज इन मोमेंटम, और जो कि हमको मिल गया है विच इज 3.6 न्यूटन इनटू सेकेंड, एंड दैट्स व्हाट योर आंसर इज। आई होप कि सभी को मजा आ गया होगा, ठीक है, यू नो टेस्ट मैच, आईपीएल, 2020 ODI, ठीक है, सब कुछ याद करके और एकदम से फील करके आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा, ठीक है। तो क्लियर आ गया, चलो अच्छी बात है, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहाँ गया भाई, हाँ ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ तो डायग्राम भी आ गया मैम, डायग्राम, अब तो ना हमको हमारे पेट में दग दग हो रहा है, ऐसा हो रहा है तुम लोग को, बोलो बोलो मैम, डायग्राम देखते ही ना तो हमको तो एकदम से हमारे पेट में दग दग होने लगता है। चलो सॉल्व करते हैं, हो सकता है कि एकदम से छोटा सा प्रॉब्लम हो, बस देख के तुमको डर लग रहा होगा। तो क्वेश्चन क्या है, टू आइडेंटिकल यू नो बिलियर्ड बॉल्स दैट स्ट्राइक्स अ रिजिड बॉल विद द सेम स्पीड, दोनों का ही स्पीड सेम है, ये एक मुद्दे की बात है, बट एट डिफरेंट एंगल्स, ठीक है कोई बात नहीं, एंड दैट गेट रिफ्लेक्टेड विदाउट एनी चेंज इन स्पीड, जितना स्पीड के साथ स्ट्राइक हुआ उतने ही स्पीड के साथ रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है, एज शोन इन फिगर 5.6। तो ठीक है, ये रहा एक अपना फिगर ए एंड दिस इज व्हाट दी बी, चलो ठीक है। तो नाउ अब क्या बोला है, व्हाट इज दी डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन दी बॉल ड्यू टू ईच बॉल, ठीक है, दोनों ही बॉल की वजह से मतलब जो स्पीड है वो कितना होगा, ठीक है, एंड द रेशियो ऑफ, सॉरी स्पीड नहीं, फोर्स, ठीक है, दोनों बॉल की वजह से जो फोर्स होगा ड्यू टू ईच बॉल बोला है कि फोर्स कितना होगा, द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड्स
ऑफ इम्पल्सेस विच इज इम्पार्टेड टू दी बॉल्स बाय दी बॉल। अब सोचो ना कि दो बॉल है, ठीक है, और ये दिख रहा है यहां से, अगर सपोज ये जाके यहाँ पर स्ट्राइक हो गए, यहाँ सिर्फ एक ही बताया कि मान लो ये इनिशियल स्पीड से जा रहा है, उसी स्पीड के साथ में रिफ्लेक्ट हुआ, बट ये क्या हो रहा है कि कुछ एंगल फॉर्म कर रहे हैं। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ डायग्राम में भी तुमको दे भी दिया है कि एक आप देख रहे हैं यहाँ से कितना एंगल, सपोज यहाँ यहाँ वॉल से स्ट्राइक हुआ, इट इज मेकिंग एन एंगल व्हाट 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, और उसके बाद में सेम एंगल से क्या हुआ कि नाउ रिफ्लेक्ट हुआ है, ठीक है। ये तो एक बॉल का है, एंड सिंस दूसरा वाला भी बॉल जो है सिमिलर टाइप है, डील कर सकते हैं, ठीक है। तो नाउ सिंपल सी चीज है, तो सबसे पहले क्या निकालना है कि अपने को फोर्स निकालना है, क्या होगा ड्यू टू ईच बॉल, एंड देन उसके बाद में हमको क्या लेना है कि मैग्नीट्यूड किसका, इम्पल्स का, बिकॉज द मोमेंट ये बॉल यहाँ से स्ट्राइक होगा वॉल पे, वॉल भी क्या करेगा उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा एज पर द न्यूटन थर्ड लॉ, ठीक है, एंड देन बॉल क्या हो रहा है रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो सिंस वो प्रोसेस इतना क्विक होगा, तो अगेन आपको फोर्स इजिली आपको, ठीक है, पूरा का पूरा वो मोमेंट पे आपने क्या निकाल सकते, बट यू कैन फाइंड आउट द चेंज इन मोमेंटम, एंड द चेंज इन मोमेंटम इज नथिंग बट दी व्हाट इम्पल्स। तो दोनों का निकाल के उसके बाद रेशियो ले लेते हैं, क्या ही जा रहा है अपना, ठीक है। तो आगे बढ़े, यस और नो जल्दी से मुझे सब बता देंगे, चलिए दैट्स ग्रेट। नाउ लेट्स मूव टू दी सॉल्यूशन पार्ट। देखो सॉल्यूशन में अब हम क्या करेंगे, तो हियर सबसे पहले मान लो अगर यहाँ पर एक्स एंड वाई है, तो हम क्या करते हैं एक्स और वाई, बिकॉज ये देखो ये वेक्टर जैसा वर्क करेगा, वेक्टर जैसा वर्क करेगा। अगर थीटा यहाँ पर है तो आपको पता है यहाँ कॉस कॉम्पोनेंट होगा, मान लो अगर हम बोलते हैं कि मोमेंटम यहाँ से ऐसे वर्क कर रहा है जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, तो यू कैन से दैट कि मोमेंटम का ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी व्हाट, लेट्स से पी एक्स हमने बोल दिया, इसको सपोज हमने पी वाई बोल दिया, तो पी एक्स विल बी व्हाट, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, दिस विल बी पी कॉस थीटा, और वो तुम्हारा क्या होगा, ये पी साइन थीटा होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एंगल किसके साथ फॉर्म कर रहा है यहाँ, तो दिस विल बी द कॉस कॉम्पोनेंट, और ये क्या हो जाएगा साइन कॉम्पोनेंट होगा, बट बॉल जो है वो उस डायरेक्शन में तो जा ही नहीं रहा है, तो एनी वेज वाई वाला तो जीरो होगा, बट एक्स कॉम्पोनेंट डेफिनेटली होगा, ठीक है। तो उसके लिए अब हम आगे बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ, नाउ वी कैन फाइंड आउट दी व्हाट व्हाट विल बी दी मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम पहले हम निकाल लेते हैं, पी एक्स यहाँ मैं लिख देती हूँ इनिशियल वैल्यू, आपको पता है कि मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मान लो इनिशियल किस वेलोसिटी से जा रहा है, तो यू वेलोसिटी से जा रहा है, या एज पर दी क्वेश्चन हम जा रहे हैं, ठीक है, यू कैन से दैट दिस विल बी जस्ट एम इन टू यू, हाँ या ना, क्लियर है कि नहीं, यू वेलोसिटी से जा रहा है तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा ये। सिमिलरली अब यहाँ से जब हम की बात करेंगे पी एक्स फाइनल की, तो पी एक्स फाइनल अब ये स्ट्राइक हुआ, ठीक है, स्ट्राइक होने के बाद में आएगा तो क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में आएगा कि नहीं, तो नाउ आप देख सकते हैं यहाँ से स्ट्राइक हुआ और ये इधर पे आ गया, सो दिस इज व्हाट माइनस एम इन टू यू, राइट, क्लियर है कि नहीं। तो ये हो गया सीन, और ये कौन सा, हम ए वाले केस की बात करें, देखो ये एक ए है और ये दूसरा क्या है बी है, समझ में आया, सो नाउ ध्यान से क्वेश्चन को प्लीज आप लोग समझना, कंफ्यूज मत करना, ये फर्स्ट वाला केस है जैसे एक बॉल का है, और ये दूसरा वाला क्या बोला कि दोनों का स्पीड सेम है बट एट डिफरेंट एंगल्स, तो यहाँ जो है ये एकदम से हॉरिजॉन्टल जैसे एक्स एक्सिस पे ही जा रहा है, तो ये यहाँ से सीधा गया, सीधा स्ट्राइक होके आ गया, बट दूसरा वाला क्या है कि वो इस तरह से एंगल फॉर्म करके और यहाँ पर आया है, ठीक है। अरे नींद नहीं आएगा रे, सुनो देखो सिंपल सी चीज है, एक दो बॉल है दोनों ही सेम स्पीड से जा रहे हैं, एक सीधा जाके स्ट्राइक होके आ गया और दूसरा क्या है कि यहाँ से जाके फिर ऐसे आया, तो कुछ नहीं, ये हम अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, फर्स्ट ए वाले केस की बात कर रहे हैं। तो ये हो गया तुम्हारा पी एक्स हो गया, नाउ वी कैन टॉक अबाउट दी व्हाट पी वाई इनिशियल एंड फाइनल, तो यहाँ कहीं वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है क्या बॉल, नहीं मूव कर रहा है, तो सिंपल सी चीज है, यू कैन से दैट देयरफॉर पी वाई, मैं इनिशियल के लिए आई लिख दे रही हूँ जस्ट, ठीक है, इट विल बी जीरो, एंड इवन पी वाई फाइनल के लिए जस्ट एफ लिख दे रही हूँ, वो भी तुम्हारा क्या होगा जीरो, बिकॉज देर इज नो मूवमेंट अलोंग दी वाई डायरेक्शन, ए केस इज डन, हाँ या ना, ठीक है। सो देयर फोर अब अगर आप इम्पल्स का एक्स कॉम्पोनेंट निकालेंगे, चलो
चेंज इन मोमेंटम तो सिर्फ एक्स ही है, तो वही लेना पड़ेगा. सो देयरफॉर आई कैन से दैट व्हिच इज एक्स कंपोनेंट ऑफ, या इंपल्स को हम किससे डिनोट करते हैं, जे से डिनोट करते हैं. तो लेट मी जस्ट राइट इन सिंबॉलिक फॉर्म, जे एक्स मैं लिख दे रही हूँ. इट मीन्स दैट कि हम किसकी बात कर रहे हैं, एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ इम्पल्स. ठीक है, तो जे एक्स इज वॉट, क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम, दैट इज वॉट डेल्टा पी एक्स. तो चेंज इन मोमेंटम फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस एम यू, माइनस एम यू दैट विल बी माइनस ट्वाइस ऑफ एम यू. हाँ या ना. एंड सिमिलरली जे वाई की अगर बात करें तो इट विल बी जीरो. क्यों? क्योंकि कुछ भी वाई डायरेक्शन में मोमेंटम है ही नहीं, तो चेंज इन मोमेंटम अलोंग द वाई डायरेक्शन इज जीरो. तो ये जीरो है तो ये भी जीरो आ जाएगा, खत्म. हाँ या ना. तो एक पार्ट तो डन हो गया. सिमिलरली अब दूसरे वाले पार्ट में भी ऐसे चले जाते हैं, इसका भी एक्स निकालना पड़ेगा और वाई. तो ऐसा सेट कि यहाँ अपने को कॉम्पोनेंट लेना पड़ेगा, एक एक्स कॉम्पोनेंट और एक वाई. तो वेक्टर जैसे, तो एक कॉस हो जाएगा, दूसरा साइन होगा. तो हम चलो देखते हैं. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द व्हाट केस बी. तो केस बी की जब हम बात करेंगे, ठीक है, तो सिंपल सी चीज है. एक्स डायरेक्शन में तो मैं पी एक्स इनिशियल लिख दे रही हूँ. ये क्या हो जाएगा, ये देखो यहाँ से जा रहा है तो क्या हो गया, दिस विल बी व्हाट, एम यू कॉस थीटा हो जाएगा. एम यू कॉस 30, हाँ या ना. दिस विल बी व्हाट, एम इंटू यू कॉस ऑफ 30 डिग्री. आप इसको चाहें तो सब्सटीट्यूट कर सकते हैं. ठीक है, सब्सटीट्यूट करेंगे. कॉस 30 कितना होता है, कॉस 30 इज रूट 3/2 होता है, वो बाद में कर लेते हैं. ठीक है, सो नाउ पी एक्स फाइनल, पी एक्स फाइनल ले लेंगे. तो अब देखो फाइनल मतलब ये यहाँ से हो जाएगा. अब ये यहाँ से स्ट्राइक होके इधर से आ रहा है, ठीक है, ये इधर से आ रहा है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, दिस विल बी द कॉस कंपोनेंट और ये तुम्हारा साइन कंपोनेंट हो जाएगा. अब रिवर्स हो जाएगा, ठीक है. नहीं नहीं, एक सेकेंड एक सेकेंड, हम किसकी बात कर रहे हैं, पी फाइनल की बात कर रहे हैं. यहाँ से आया ना, थीटा यही फॉर्म कर रहा है, ये भी वही रहेगा, एम यू कॉस थीटा ही होगा. ठीक है, बट विथ नेगेटिव साइन. सो नाउ यू कैन से दैट दिस विल बी माइनस एम यू कॉस 30 डिग्री होगा. एंड हाँ, पी वाई इनिशियल की जब हम बात करें, पी वाई इनिशियल मतलब ये इधर से ये कितना एंगल फॉर्म करेगा, तो साइन. तो दिस विल बी व्हाट, एम यू साइन 30 बराबर. सो ये हो गया तुम्हारा, दिस इज एम यू साइन 30 डिग्री. एंड नाउ यू कैन फाइंड आउट दी व्हाट पी वाई फाइनल, पी वाई फाइनल कितना हो जाएगा. So it will be what, which is minus mu sin 30 degree. अब अगर देखो यहाँ किसी को नहीं समझ में आया होगा तो एक बार यहाँ देख लो, ठीक है. ये इस तरह से वेक्टर्स फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, और ये क्या है, ठीक है, ये सपोज कि हमने क्या बोल दिया, पी है, मोमेंटम का है, ठीक है. तो और यहाँ पर एंगल कितना फॉर्म हो रहा है, दिस इज व्हाट 30 डिग्री. ये भी एंगल कितना है, 30 डिग्री है. तो अगर ये 30 डिग्री 30 डिग्री है, तो आप सिंपल सी चीज है क्या बोल सकते हैं, कि ये वाला जो होगा, दिस विल बी व्हाट, विच इज पी कॉस 30 डिग्री हो जाएगा. और ये जो हो जाएगा यहाँ से, दिस विल बी व्हाट, पी साइन 30 डिग्री हो जाएगा. ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी ये क्या हो जाएगा, दिस इज पी साइन 30 डिग्री. ठीक है, और ये यहाँ इसके लिए भी क्या हो जाएगा, दिस विल बी व्हाट, पी कॉस 30 डिग्री. समझ में आया आप लोगों को. तो इस तरह से आपको ये एंगल्स निकालने होंगे, सिंस मोमेंटम जो है वो वेलोसिटी सेम बोल दिया है, तो इसीलिए हम लोग ने इसको डायरेक्टली पी ले लिया. अगर मान लो वेलोसिटीज अलग होता तो हमको यहाँ चेंज करना पड़ता, मास तो सेम ही रहेगा. अब ये सारी चीजें मिल गई, अब कुछ नहीं करना है, जस्ट इसका भी एक्स कॉम्पोनेंट निकाल लो और वाई कॉम्पोनेंट निकाल लो. तो अगर हम एक्स कॉम्पोनेंट किसका निकालते हैं, यू नो चेंज इन मोमेंटम का, तो देयर फोर दैट विल बी द इम्पल्स. मैं डायरेक्ट जी जे एक्स लिख देती हूँ. जे एक्स विल बी व्हाट, विच इज डेल्टा पी एक्स. डेल्टा पी एक्स मतलब फाइन, यू नो फाइनल माइनस इनिशियल, तो माइनस एम यू कॉस 30 डिग्री. ठीक है, माइनस एम यू कॉस 30 डिग्री. तो यहाँ आप देख सकते हैं, दिस विल बी व्हाट, माइनस ट्वाइस ऑफ एम यू कॉस 30 डिग्री आ जाएगा. एंड आप चाहें तो सब्सिट्यूट कर ले. कॉस 30 कितना, रूट 3/2. दिस विल बी माइनस 2 एम यू रूट 3 अपॉन 2. 2 विल गेट कैंसिल आउट. फाइनली अपने पास क्या बचा, माइनस रूट 3 इंटू एम यू बचा.
ये एक इक्वेशन हो गया. सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट द जे वाई व्हिच इज इंपल्स अलोंग द वाई डायरेक्शन. सो दैट विल बी व्हाट, चेंज इन मोमेंटम अलोंग द वाई डायरेक्शन. तो चेंज इन मोमेंटम अलोंग द वाई, फाइनल माइनस इनिशियल. फाइनल माइनस इनिशियल मतलब माइनस एम यू साइन 30, है ना, माइनस एम यू साइन 30 डिग्री. तो यहां से क्या हो गया, दिस इज माइनस ट्वाइस ऑफ एम यू साइन 30 डिग्री हो गया. साइन 30 कितना होता है, हाफ होता है कि नहीं, तो यहां से कितना हो जाएगा, दिस इज माइनस ट्वाइस ऑफ एम यू इन टू हाफ. तो टू टू कैंसिल आउट होके फाइनली अपने पास क्या बचा, माइनस एम यू बचा. क्लियर है सभी को, ठीक है. तो ये तुमको क्या मिल गया, अलोंग दी वाई डायरेक्शन मिल गया, दिस इज अलोंग दी एक्स डायरेक्शन. और जैसे ही ये मिल गया, वही तुमको निकालना था रेशियो ऑफ व्हाट, इम्पल्स. तो रेशियो ऑफ इम्पल्स निकालना था, तो चलो फाइंड आउट कर लेते हैं. ओके एक सेकेंड. लेकिन यहां पर जो हो जाएगा तुम्हारा, वन सेकेंड, ये जो है ये इधर से जा रहा है, तो ये इनिशियल भी तुम्हारा यहां पर ये नेगेटिव होगा. एक हमने गड़बड़ कर दी है, हियर इट विल बी, इधर गया पी वाई, ये इनिशियल भी, ये भी तुम्हारा नेगेटिव होगा और यहाँ भी नेगेटिव ही होगा, ठीक है. ये अगर नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव हो गया, तो ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, तो तुम्हारा ये तो पूरा जीरो हो जाएगा. तभी तो सोचो ये वाई डायरेक्शन में जा कहाँ रहा है, रुको बताती हूँ मैं तुमको. तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, दिस विल बी व्हाट, ये पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, ठीक है. मोमेंटम अलोंग द व्हाट, इंपल्स या चेंज इन मोमेंटम अलोंग द वाई डायरेक्शन विल बी व्हाट, जीरो. क्यों, क्योंकि देखो तुम्हारा जो बॉल यहाँ से स्ट्राइक हो रहा है, स्ट्राइक होके ये किसके साथ यहाँ एंगल फॉर्म करके आ रहा है, तो सिंपली इट इज व्हाट मूविंग अलोंग दी, यू नो. आप देख सकते हैं कि उसका जो मोमेंटम चेंज हो रहा है वो एक्स के अलोंग ही चेंज हो रहा है, वाई के अलोंग में कुछ चेंजेस नहीं है, समझा. तो सिंपल सी चीज है, यहाँ पर इट विल बी व्हाट, जीरो. और ये तुम्हारा जीरो हो गया, तो अब क्या बोल सकते हो तुम, ये वाला जो एरो है, वेक्टर इज इन दिस डायरेक्शन, ये यहाँ से ऐसे आ रहा है, ठीक है. तो अगर ये आप देख रहे हैं, ये यहाँ से देख रहे हैं, तो ये पॉजिटिव, तो तुमको ये पॉजिटिव मिल जाएगा, बट दिस वन विल बी व्हाट, नेगेटिव. ये तुम्हारा कंपोनेंट जो होगा, ये तुम्हारा कंपोनेंट नेगेटिव मिलेगा, ठीक है. ये कंपोनेंट नेगेटिव मिलेगा, तो यहाँ से दिस विल बी माइनस एम यू साइन 30, और ये माइनस एम यू साइन 30, यहाँ पर भी माइनस एम यू साइन 30. फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल ये है माइनस, ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस विल बिकम प्लस, तो जीरो हो गया, खत्म. अब यहाँ से जैसे ही आपको दोनों ही मिल गया है, तो ये जे एक्स मिल गया. फर्स्ट और सेकेंड केस में बोला था, तो फर्स्ट केस में क्या था अपना, ए एंड बी का ना, हमको माइनस टू एम यू मिला था. ऐसा लग रहा है जैसे इसको कोई बीमारी हो गया है. दिस इज माइनस ट्वाइस ऑफ एम यू. अब दोनों को डिवाइड कर देते हैं, सो देयर फोर लेट मी कॉल दिस एज पी वन बाई पी टू, नहीं मोमेंटम, सॉरी इम्पल्स बोला था ना, तो हम जे वन एक्स अपॉन जे टू एक्स बोल देते हैं. जे वन एक्स अपॉन जे टू एक्स, बिकॉज वाई तो दोनों का ही जीरो हो गया. वहां पर अपने को माइनस ट्वाइस ऑफ एम यू मिला था, यहाँ अपने को क्या मिला है, दिस इज माइनस रूट थ्री अपॉन एम यू. तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, एम यू कैंसिल हो गया. फाइनली आपके पास कितना बचा, टू अपॉन रूट थ्री बचा, ठीक है, टू बाय रूट थ्री. एंड इतना इतना ठीक है, अब इससे ज्यादा करना है तो आप रूट थ्री को सब्सिट्यूट कीजिए, 1.713. फिर उसको टू से डिवाइड करो, देखो टू जा तो जाएगा नहीं, 1.1 1.2 समथिंग कुछ आना चाहिए आंसर, एंड दैट्स इट. समझ में आया, क्लियर एवरीवन, ठीक है. आई होप ये क्वेश्चन समझ में आएगा. देखो एक बार मैं वापस से समराइज कर देती हूँ उस क्वेश्चन को. क्वेश्चन क्या दिया है कि अपने पास में दो आइडेंटिकल बिलियर्ड बॉल्स थे, दोनों सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं और जाके रिजिड बॉल से स्ट्राइक हो रहे हैं, बट अलग अलग एंगल पे. तो यहाँ डायग्राम के हिसाब से कि एक स्ट्रेट जाके स्ट्राइक हो रहा है और स्ट्रेट आ रहा है, और दूसरा क्या है कि एक एंगल फॉर्म करके स्ट्राइक होके और उसी इतने ही एंगल से वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है. So you have to find out ki you know the direction of force on the wall due to each ball, and then tumko ratio nikalna hai, theek hai.
सिंपल सी चीज है कि यहां से जब आप फाइंड आउट करेंगे, तो देखो यहां तो तुम न्यूटन का लॉ यूज कर सकते हो, तुम डायरेक्शन ऑफ फोर्स तो एनीवेज निकाल सकते हो, ठीक है. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकेंड केस, विच इज द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ इम्पल्स, तो फर्स्ट केस तो इजी था, चेंज इन मोमेंटम, ये यहां से गया और वापस आया, तो जब वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो अपोजिट होगा, वो आप ले सकते हैं, विच इज सिंपली एक को यू ले लो, दूसरे को माइनस यू ले लो, एंड सिंस द मोशन इज अलोंग द एक्स ओनली, वाई डायरेक्शन में कुछ भी नहीं है, तो चेंज इन मोमेंटम इन वाई विल बी जीरो. तो फर्स्ट केस एकदम सॉर्टेड था, बट सेकेंड वाले में एंगल फॉर्म कर रहा था, ठीक है. तो व्हेन इट इज फॉर्मिंग एन एंगल, यू हैव टू टेक दी कॉम्पोनेंट्स, यू हैव टू टेक दी वॉट एक्स कॉम्पोनेंट एंड वाई कॉम्पोनेंट्स बाय लुकिंग एट दी वर्ड वेक्टर्स, ठीक है. यहाँ तुम्हारा ये वाला एक्स कॉम्पोनेंट हो जाएगा, वो वाई कॉम्पोनेंट हो जाएगा. बट आपको एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा कि क्या साइन कन्वेंशन यूज करना पड़ेगा, ठीक है. तो जब आप साइन कन्वेंशन यूज करेंगे तभी आपको मालूम पड़ेगा कि ठीक है कौन सा टर्म जो है वो पॉजिटिव होगा एंड कौन सा नेगेटिव होगा. तो द रीजन कि यहाँ पर जब हम लोग ने साइन ले रहे हैं, विच इज वॉट एम यू साइन 30, तो वो तुम्हारा क्या मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है, ठीक है. एंड फिर यहाँ से आपने फाइनल भी ले लिया, फाइनल एंड इनिशियल, सो दैट्स हाउ यू विल गेट दी आंसर. समझ में आ गया सभी को, एवरीवन? तो ये हो गया आपका ये क्वेश्चन, यही तो हमने अपने सेम सॉल्व किया था ना, नहीं? ओके, ये दूसरा है, इधर भी डायग्राम है, मुझे लगा यही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है. तो चलिए, नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाट, विच इज अ मास ऑफ 6 kg इज सस्पेंडेड बाय द रोप जिसका लेंथ कितना है, 2 मीटर. तो हम कहाँ देखें क्वेश्चन, ये रहा पहले फर्स्ट वाले में देखते ना, यहीं से तो स्टार्ट होगा क्वेश्चन. तो ये मान लो कि ये फिक्स कोई रिजिड सपोर्ट है, सीलिंग से बोला हुआ है, तो यस वी आर राइट. एंड रोप का लेंथ कितना दिया हुआ है, 2 मीटर दिया हुआ है, और मास कितना दिया, 6 kg. वेर इज द 6 kg मास, यही होगा बिकॉज 60 न्यूटन फोर्स लग रहा है. सो नाउ अब क्या बोला हुआ है कि अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इज सॉरी 50 न्यूटन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज अप्लाइड एट द मिड पॉइंट ऑफ पी. तो कहाँ रहा मिड पॉइंट, ये रहा, बिल्कुल सही जवाब. मतलब ये हम लोग ने कंसिडर किया था 6 kg ब्लॉक, बट ये जो रोप है, देखो इनिशियली रोप कैसे रहेगा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस गाइस. ये ऐसा था, ठीक है, ये बेचारा यहाँ से, ये 6 kg मास और ये रोप जिसका लेंथ कितना दिया है अपने को, 2 मीटर, ये शांति से ऐसे पड़े थे, बट बैठे बिठाए क्या करें, तो चलो कुछ खुरापाती करते हैं. तो यहाँ से क्या किया कि अब इसके ऊपर ऐसे सपोज कि कोई पकड़ के खींच रहा है, ये इसका मिड पॉइंट है, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल दिस इज द मिड पॉइंट, और इसको आप यहाँ से पकड़ के किसी के थ्रू ऐसे खींच लो, और जो आप खींचने के लिए फोर्स लगा रहे हो वो कितना फोर्स लग रहा है, 50 न्यूटन लग रहा है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये थोड़ा सा तो ऐसे डिस्प्लेस होगा, ठीक है. तो ये दिख रहा है आपको, ये यहाँ से जो स्ट्रेट था, स्ट्रेट की जगह अब ये क्या हो गया कि थोड़ा सा ऐसे टिल्ट हो गया है, ये वही यही वाला पोजीशन है, आफ्टर दिस ये आपको मिल जाएगा, ठीक है. तो ये मिल गया आपको 50 न्यूटन फोर्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विच इज अप्लाइड एट पॉइंट पी ऑफ द रोप, ठीक है, विच इज शोन, वो तो हमने देख ही लिया पहले. व्हाट इज द एंगल द रोप मेक्स विद द व्हाट वर्टिकल, ये रहा, ठीक है, वर्टिकल इन द इक्विलिब्रियम. तो तुमको बोला कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या होगा कि ये रोप के साथ में, आई एम सॉरी, रोप वर्टिकल के साथ में क्या एंगल फॉर्म करेगा. तो दैट मींस यहाँ जो थीटा दिया हुआ है वो हमको निकालना है. और ये देखो हमारी सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पर FBD दे दिया है. फर्स्ट केस का FBD मतलब अगर हम ब्लॉक लेते हैं तो ये आ जाएगा, सेकेंड वाला अगर हम विथ रिस्पेक्ट टू रोप ले, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टेंशन ले रहे हैं, तो वो भी अपने को FBD दे दिया है, फिर तो अपना मजा ही है, ठीक है. सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है. तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नाउ लेट्स मूव टू द सॉल्यूशन पार्ट. एंड आई थिंक आप सब लोग एकदम चैंपियन हैं इसमें FBD सॉल्व करने में. फोर्स दिख रहा है ना, फर्स्ट वाला इक्वेशन तो ऐसे ही मिल जाएगा. ये जो वेट है, वेट ऑफ द ब्लॉक इज बैलेंस्ड बाय व्हाट, टेंशन इन द रोप. और मान लो टेंशन इन द रोप को किससे कंसिडर कर लिया, यहाँ T2 कंसिडर कर लिया. हम लिखते हैं इक्वेशन, लिखते हैं, देन सब कुछ आपको पता चल जाएगा, ठीक है, और आप लोग आंसर मुझे बता भी सकते हैं. क्लियर? चलो बहुत अच्छी बात है.
now we can say that according to figure, yeah. यहाँ एक्चुअल में हम सेकंड वाले डायग्राम के हिसाब से बोल रहे हैं. सो देयरफॉर यू कैन से दैट टी टू इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू व्हाट, 60 न्यूटन. कौन बैलेंस कर रहा है उसको, वही तो बैलेंस कर रहा है. यहाँ बोल सकते हैं एंड विच इज व्हाट एक्चुअल में, इट इज 6 × 10 कितना दिया हुआ था, ये तुम्हारा 6 kg है, ठीक है. और ये इसको जब आप सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 10 g को बोला हुआ है ना अपने को, 10 ले लो. तो इसको अगर हम mg बोल रहे हैं, mg बोल रहे हैं, तो ये तुम्हारा 6 × 10 हो गया mg. तो वैसे भी एनीवेज हमको मिल जाएगा दिस इज 60 न्यूटन. तो मतलब कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है. वेरी गुड वेरी गुड, एब्सोल्युटली राइट. तो ये तुमको 60 न्यूटन मिल गया. अब हम क्या बोल रहे हैं, एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम लेट्स कंसिडर. अगर आप इक्विलिब्रियम कंडीशन जो है वो कंसिडर कर ले रहे हैं, अब यहाँ पर ये दिख रहा है T1, ध्यान से देखिए. यहाँ देखना, यहाँ देखिए, यहाँ देखना, यहाँ देखिए, तुम्हारी मर्जी, ठीक है. तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं. तो अगर तुम T1 की बात कर रहे हो तो दिख रहा है T1, इसके दो कंपोनेंट्स आएंगे. एक तो तुम्हारा कॉस कंपोनेंट होगा, दूसरा क्या हो जाएगा, साइन कंपोनेंट. तो थीटा अगर यहाँ पर है तो दिस हैज टू बी व्हाट, कॉस कंपोनेंट, हाँ या ना एवरीवन? ये आपका क्या हो जाएगा, ये कॉस कंपोनेंट होगा. तो आप इसको क्या बोल सकते हैं, दिस इज T1 cos θ. और यहां से जो आ जाएगा ये आप क्या बोल सकते हैं, दिस इज T1 sin θ. यस और नो, मुझे सब जल्दी से बताएंगे. आपको ये समझ में आया, ये वेक्टर यहां से है तो ये इसका कॉस कंपोनेंट हो जाएगा, ये इसका हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल बोलो या कॉस साइन कंपोनेंट बोलो, ठीक है. क्वेश्चन देख के कंफ्यूज हो गए, साइन भाई क्यों कंफ्यूज हो गए? तो ये हो गया तुम्हारा साइन एंड कॉस. तो अब यहाँ चलो हम लिखते हैं. सो नाउ वी कैन से दैट देयरफॉर T1 cos θ, कौन बैलेंस कर रहा है T1 cos θ को, तो यहाँ से T2, और T2 का वैल्यू हमको पता है विच इज 60, ठीक है. तो चलिए लिखते हैं विच इज बैलेंस्ड बाय T2 एंड T2 इज नथिंग बट दिस 60 न्यूटन. एकदम सही जवाब. और T1 sin θ कौन बैलेंस कर रहा है, तो T1 sin θ यहाँ से जो 50 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं विच इज T1 sin θ. तो T1 sin θ विल बी व्हाट, विच इज इक्वल टू व्हाट, 50 न्यूटन. अब हम क्या काम करते हैं, ये वाले इक्वेशन को, ये वाले इक्वेशन को डिवाइड कर लेते हैं. अगर हम डिवाइड कर लेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, बट 2/1 करेंगे. सो देयरफॉर T1 sin θ डिवाइडेड बाय T1 cos θ इज इक्वल्स टू 50/60 हो जाएगा, हाँ या ना? सभी लोग मुझे जल्दी जल्दी से बताएंगे. 0 0 कैंसिल, T1 T1 कैंसिल, साइन बाय कॉस इज टैन, राइट? हम यही लिखेंगे, ठीक है, हमको यही लिखना है. सो टैन थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, 5/6. आई थिंक ये चीज एकदम से क्लियर है सभी को, बच्चा बाडी बराबर. सो देयरफॉर थीटा क्या हो जाएगा, टैन इनवर्स ऑफ 5/6. अब अगर हम लोग 5/6 लेते हैं, ठीक है, 5/6 मतलब कितना हो जाएगा, ये अगर इसको डिवाइड करते हैं तो 0.8, बिकॉज 6 से अगर तुम इसको डिवाइड करते हो तो 6 8 48 होता है ना, 6 8 48, राइट? तो मतलब 50, ये 50 है ना, तो तुम बोल सकते हो कि 0.8 के आसपास, 0.8 के आसपास, मतलब तुम्हारा tan 45 कितना होता है, tan 45 1 होता है. तो और tan 30 कितना होता है, tan 30 होता है 1/√3, राइट? तो 1/√3 मतलब 1/1.7, तो वो तो तुम्हारा काफी कम हो जाएगा. ये मोर ओवर 45 के आसपास होगा, तो तुम बोल सकते हो 40 41 के आसपास कुछ आना चाहिए. 0.83 आ रहा है. तुम अगर एग्जैक्ट वैल्यू निकालना चाहते हो तो तुम्हारे पास कैलकुलेटर, लॉग बुक जो भी होगा एग्जाम में तुमको गिवन होगा, या एग्जाम में सिर्फ इतना ही होगा. वो तुमको टाइम पास करने के लिए आगे नहीं देंगे कि तुमको डिग्रीज में लिखना है, बट यस डेफिनेटली दिस आंसर विल बी व्हाट, मोर ओवर नियर टू 45 डिग्रीज के पास में. 40 tan 45 1 होता है ना, तो उससे 5 6 तो कम ही होगा. मतलब आप बोल सकते हैं कि सम वॉट 0., सॉरी 39 डिग्री, 40 या 41 के आसपास कुछ आएगा. तो मैं यहाँ अप्रोक्सीमेटली 40 लिख दे रही हूँ, मैं मीन ले लेती हूँ बिकॉज आई हैव नो आइडिया अभी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है.
फिर मुझे निकालना पड़ेगा एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है? आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा, 40 डिग्रीज अगर हमने बोल दिया तो थीटा अपने को क्या मिल गया, तो थीटा इज 40, और निकालना क्या था, वही बोला ना कि इक्विलिब्रियम पे ये कितना एंगल होगा, दिस रोप विल मेक हाउ मच एंगल विद दी वर्टिकल, तो 40 डिग्री, दैट्स इट, नियर बाय 0.83 आ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। तो मतलब कहने का मतलब कि आंसर 40 के आसपास ही आएगा ना, समझ में आया सभी को, एवरीवन, एंड आई होप आप लोग ने प्रॉब्लम सॉल्विंग एंजॉय किया होगा। अभी हम एनएलएम के बहुत सारे क्वेश्चन, अभी इसमें सॉल्व एग्जांपल्स और भी बचे हुए हैं, बट वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, बिकॉज अभी 2:30 पे एक और प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन है जो कि अपना स्पेशल क्लास में है, ठीक है, एंड आई होप आप सभी लोग ज्वाइन करेंगे, ठीक है, एट 2:30 PM। और कौन से टॉपिक का है, तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम लोग थर्मोडायनामिक्स के PYQs करेंगे, थर्मोडायनामिक्स, ठीक है, वी विल वर्क ऑन दी व्हाट PYQs ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं जो फर्स्ट टाइम यूजर हैं, आप लर्नर आप इंस्टॉल करके फिर नीट यूजी कैटेगरी के लिए रजिस्टर कर लीजिए, उसके बाद में यू गाइस कैन इवन यूज माई कोड टू एक्टिवेट योर यू नो, जो भी आपके फ्री प्लान हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे, एंड आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, मेरा प्रोफाइल लिंक भी गिवन है, ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं आप, एंड इवन यू गाइस कैन ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम, ठीक है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, एंड इसके अलावा अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ चीजें नहीं समझ में आई हैं, तो डेफिनेटली आप कमेंट कर सकते हैं, सो दैट कि मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करूंगी एक्सप्लेन करने की, अगर समझ में आया सब कुछ तब भी आप कमेंट कर सकते हैं, आई थिंक दैट विल हेल्प अदर्स, कि अगर कोई ढूंढ रहा है उस तरह के सोल्यूशंस या प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस, अगर कोई वीडियो के आई मीन स्क्रॉल करते करते आ गया, बिकॉज जनरली अब ऐसा ट्रेंड हो गया है कि लोग पहले कमेंट्स देखते हैं कि ठीक है अगर किसी लोगों किन्होंने भी कुछ कमेंट्स किया हुआ है तो हाँ मतलब ये हमारे काम की चीज़ है, अब हमको इसको देख लेनी चाहिए, एंड नाउ यू ऑल आर चैंपियन इन दैट, ठीक है, तो ये इसलिए है कि अगर आपको जेनुइनली चीजें समझ में आई हैं, अच्छी लगी हैं, तो आप पॉजिटिव कमेंट्स भी कर सकते हैं, जो नहीं समझ में आया, जो प्रॉब्लम है, या आप चाहते हैं कि मैम ये भी प्रॉब्लम करा दो, जैसे कोई टॉपिक के भाई मुझे लाइक प्रीवियस वीडियो में एक किसी स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि मैम हर टॉपिक के सारे क्वेश्चन A to Z करा दो, ठीक है, जो अनसॉल्व वाले हैं, तो आई थिंक वो मुझे जेन्युइन कमेंट लगा, मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगी कि मैं पूरे करवाऊं, नहीं पूरे तो एटलीस्ट जो अलग अलग टाइप के, जैसे सेम टाइप के 4 क्वेश्चंस हैं तो मैं उसमें से 2 करवा दूं, 2 आप लोग तो तब कर ही लेंगे, ठीक है, तो एटलीस्ट हर टाइप के क्वेश्चंस मैं कवर कर सकूं हर एक चैप्टर के, तो वो आप लोग को काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है, सो दैट्स इट, एंड यस वी आर मीटिंग एट 2:30 PM वंस अगेन, देन 4 PM अपना आज न्यूक्लियाई का सेशन होगा, आज खत्म हो जाएगा, रेडियो एक्टिविटी बचा हुआ है और जो कि एकदम मस्त टॉपिक है, उसके अलावा अगर आप लोग एज आई सेड कि अभी प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो अपने 22 वाले लोग के लिए ये एकदम बेस्ट यू नो टाइम है, एंड 2023 वाले लोग के लिए दिस वन, बिकॉज इससे ज्यादा तो अभी कोविड भी आपको परेशान नहीं करेगा, ठीक है, इतना 7 महीना मतलब बहुत बड़ी चीज होती है, एंड यू कैन यूज द कोड अर्चना 10, ठीक है, आप दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, आपको पता है कि इससे आपको 10% ऑफ इमिडिएटली मिलेगा, आपके जो भी फीस है उस पे, साथ ही साथ आपको मेरी मेंटरशिप, मेरा गाइडेंस, मेरा फुल सपोर्ट रहेगा आपके एग्जाम तक, ठीक है, तो ये आपकी फीस है जिसपे आपको 10% ऑफ मिलेगा इफ यू विल यूज द कोड अर्चना 10, ठीक है, दैट्स इट, ठीक है, एंड ये सारे आपको फीचर्स मिलते हैं अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं, प्लस लेते हैं, तो जस्ट जहाँ रेफरल कोड दिखेगा इधर यू हैव टू यूज अर्चना 10, एंड गाइस आप लोग नेक्स्ट फुल लेंथ टेस्ट के लिए रजिस्टर कीजिए अभी से, आज ही कर दो, ठीक है, शुभ काम करने में देरी नहीं करते हैं, और ये दूसरा शुभ काम होगा कि आप सेकेंड फुल लेंथ टेस्ट देंगे जो कि 26 दिसंबर को होने वाला है, यू नो एट 2 PM, एंड अगेन इसका रजिस्ट्रेशन लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो कोड ही यूज करना है बिकॉज इट्स एब्सोल्युटली फ्री,
तो यू कैन यूज द कोड अर्चना10, जो कि मेरा कोड है, और अभी के अभी सब रजिस्टर कर दो, बिकॉज आप लोग फिर बाद बाद में कर करके भूल जाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि पहले भी बताया था, 5 फुल लेंथ टेस्ट रहेंगे आपको, उसके वीडियो सॉल्यूशंस वगैरह सारी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, अभी से चालू करेंगे तो आपके नीट एग्जाम आने तक यू विल बी हियर, दैट्स इट। एंड कॉम्बैट के लिए भी रजिस्टर कीजिए, एवरी संडे होता ही है। साथ ही साथ अगर ये बैचेस भी स्टार्ट हो रही हैं, किसी भी बैच किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मतलब अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास 2:30 इन स्पेशल, एंड देन 4 PM अगेन ऑन यूट्यूब। सो बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, शेयर कर लीजिए सबके साथ। लाइक करना भूल गए होंगे सिंस आप लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, तो लाइक भी कर लीजिए। एंड अगर न्यू स्टूडेंट हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय एवरीवन, एंड टेक केयर।